हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑटो इलेक्ट्रिशियन पॉइंट में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ BS6 की प्रेशर कनेक्शन हॉर्न के लिए आप कहाँ से लेंगे। तो ये अशोक लीलैंड की व्हीकल्स है BS6 की, और हाइवा है, और दूसरी गाड़ियाँ टाटा में भी आप ले सकते हैं इसी तरह से। तो फ्रेंड, सबसे पहले तो आपको हैंड ब्रेक मैं दिखा दूँ। ये हैंड ब्रेक है जो बीच में लगती है डैशबोर्ड के, और प्लास्टिक का कवर होने की वजह से इसमें थोड़ी दिक्कत है, इसीलिए इसको आराम से 24-27 के पाने के सहारे खोल लेंगे। ये हैंडब्रेक की स्विच है, इसमें 2 पिन की सॉकेट होती है, इसको खोल के बाहर निकाल लेंगे। ये हमारा खुल गया है, ये हैंडब्रेक की स्विच है जो हैंडब्रेक लगाने से सिग्नल देती है मीटर बोर्ड को कि आपकी गाड़ी हैंडब्रेक में है। फिर आपको प्रेशर हॉर्न के लिए जो सॉकेट कंपनी देती है, ये रूट्स की है, प्रेशर हॉर्न की सॉकेट है, सब एक जैसी होती है। और यहाँ पे क्या होता है, दो प्लास्टिक के भूस है, उसको पहले आप लगा देंगे। उसके बाद लगाने के बाद जो है बूस को अपनी जगह में सेट कर देंगे। दो बूस दिया हुआ रहता है, एक छोटा रहता है, एक उससे बड़ा रहता है। फिर थ्रेड टेप आप लगाएंगे, थ्रेड टेप को घुमाना है उल्टे हाथ से पकड़ के, और उसके बाद इसको, इसका जो जॉइंट सॉकेट है उसको लगा देनी है 12-13 इंच के सहारे। फिर आपको क्या करनी है, ये जब बन के रेडी हो गया आपका सॉकेट, तो इसको पहले हैंड ब्रेक वाले स्विच वाली जगह में लगा देनी है। थोड़ी सी थ्रेड टेप लगाएंगे, तो यहाँ पे थ्रेड टेप थोड़ी मोटी करके लगानी है ताकि आपका प्रेशर लीक नहीं हो सके। ठीक है, तो हम देखें कितनी मोटी करके लगाया हूँ। और उसके बाद अब इसको, ये जो हैंड ब्रेक का स्विच है ये अभी नहीं लगाएंगे क्योंकि दिक्कत होगी, स्पेस कम होती है। अब मैं इसको पहले सॉकेट को लगा देता हूँ, टी सॉकेट को। तो चलिए मैं लगाता हूँ टी सॉकेट को। यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत होगी क्योंकि स्पेस कम होती है, सिर्फ हाथ जाने की जगह रहती है। तो चलिए लगा दिया हूँ मैं हॉर्न में, उन्हें पहले ही फिटिंग कर दिया है। सिर्फ प्रेशर का कनेक्शन यहाँ से लेने के लिए आपको मैं वीडियो बना रहा हूँ, बता रहा हूँ, है ना। फिर यहाँ पे देखिएगा आप, ये जब लग गया है तो इसको 14-15 पानी के सहारे ठीक से टाइट कर लेंगे, फुल टाइट, फुल टाइट। जब ये हमारी, ये प्रेशर की हॉर्न के प्रेशर पाइप है जो यहाँ से कनेक्शन लेके हॉर्न को बजाएगी। ये 13 नंबर की रिंची के सहारे इसको भी थ्रेड टेप देके अच्छी तरह से मैं टाइट कर दूंगा। अब यहाँ पे जो हैंडब्रेक का स्विच है उसमें थोड़ी सी थ्रेड टेप लगानी है, लगा के इसको हम वापस टी सॉकेट में अपनी टाइट कर देंगे। फिर 2 पिन का जो प्लग है उसको भी लगा देंगे, है ना। तो ये जब लग जाएगा मेरा, तो फिर क्या होगा ना, यहाँ से प्रेशर हम ले लिया कितनी आसानी से, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई लीकेज की ज़रूरत नहीं है, थ्रेड टेप सिर्फ ठीक से दीजिएगा, ठीक है। और टाटा की गाड़ियों में भी ये हैंड ब्रेक ड्राइवर सीट के राइट साइड के पास होता है, उसमें भी आप आसानी से, कहीं दिक्कत हो तो यहीं पे लगा दे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, फिर मिलेंगे दूसरी नई जानकारी।